मैं चाह रही हूँ सर आई थिंक वी शुड हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड ओपन डिबेट। जो पूरी इंडिया अलायंस है वो भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जस्ट आई हर्ड कि आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है। सर बहुत अच्छी बात है, संविधान कैसे बचेगा सर? कहाँ पे लोगों को कॉलोनीज में रीसेटल किया गया वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया। एप्लीकेशन के नाम पे लोगों को ठगा गया और मुर्गे खाने के जितने छोटे छोटे काम है। चंडीगढ़ में तो सर आपकी गठबंधन है कि ठगबंधन है सर, मुझे समझ नहीं आ रही। झाड़ू वाले अपने वोट गिनाते हैं, यहाँ पे आप अपना काम गिना रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ये वीडियो तो आपको याद ही होगा, चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष तिवारी और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रितु सिंह के बीच चुनाव प्रचार के दौरान ओपन डिबेट हुई थी, यानी खुली बहस हो गई थी। मनीष तिवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां पर अपने समर्थकों के साथ पहुंच गई थी रितु सिंह। उन्होंने चैलेंज दिया ओपन डिबेट का और फिर दोनों प्रत्याशियों के बीच कई मुद्दों पर वहां पर बहस हुई, चर्चा हुई। रितु सिंह ने कई सवाल पूछे, मनीष तिवारी ने उसका जवाब दिया। इसी तरह मनीष तिवारी ने कई सवाल पूछे और रितु सिंह ने उसका जवाब दिया था। सेंसेशन क्रिएट नहीं कर रहे सर, हिम्मत है डिबेट की। तो डिबेट ऐसा क्यों होता है? मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि जो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं वो कृपया भारतीय जनता पार्टी की बी टीम न बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों के बीच खुली बहस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हुआ, खूब वायरल हुआ। लोगों ने इसे देखा और कई लोगों ने इसकी सराहना भी की कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के बीच इस तरह की ओपन डिबेट होनी चाहिए। लेकिन 4 जून को जब चंडीगढ़ के चुनाव के नतीजे सामने आए तो हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि मनीष तिवारी को कितने वोट मिले, रितु सिंह कितने वोट ले पाई और बीजेपी के प्रत्याशी संजय टंडन को कितने वोट मिले। तो चलिए आपको बताते हैं। मनीष तिवारी जो कि चंडीगढ़ से चुनाव जीते, उन्हें मिले 2,16,657 वोट। दूसरे नंबर पर रहे संजय टंडन, जिन्हें मिले 2,14,153 वोट। लेकिन रितु सिंह का हुआ सबसे बुरा हाल, जिन्हें हासिल हुए महज 6,708 वोट। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, जो प्रत्याशी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पसीना बहाती रही, दावेदारी ठोकती रही, पूरे दमखम के साथ लगी रही, चुनाव प्रचार करती रही, ओपन डिबेट की प्रत्याशियों को चुनौती देती रही, वो जमीन पर हासिल कर पाई महज 6,708 वोट और इस तरह वो मनीष तिवारी से 2,99,049 वोटों से हारी। संजय टंडन और मनीष तिवारी के बीच ही मुख्य मुकाबला हुआ और हार जीत का फैसला महज 2,504 वोटों के अंतर से हुआ। आपको बता दें कि चंडीगढ़ सीट काफी चर्चित रही थी, खासतौर पे यहाँ पे जो मेयर के चुनाव को लेकर जो पूरा कांड हुआ था उसके चलते ये सीट बहुत चर्चित थी। ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। इसके पहले यहाँ से किरण खेर सांसद हुआ करती थी, लेकिन उनका टिकट काट कर इस बार संजय टंडन को दिया गया था। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ सेंधमारी कर दी, यहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर मनीष तिवारी को उतारा गया था। खुद अरविंद केजरीवाल उनका प्रचार करने आए थे, उनको वोट देने की अपील की थी और इसका असर ये हुआ कि मनीष तिवारी यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन रितु सिंह का जो हाल हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि रितु सिंह अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। मनीष तिवारी अब सांसद चुनके दिल्ली आ चुके हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव है। जिस तरह का आंकलन लगाया गया था, जिस तरह का प्रचार किया गया था कि अब की बार 400 पार, वो और जो वास्तविकता सामने निकल के आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो जमीन के मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, जो गरीब अमीर में बढ़ती हुई असमानता है, संविधान को लेकर जो लोगों की चिंताएं हैं, वो सब इस चुनाव में जमीनी स्तर के ऊपर दिखी।